आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण, प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। हर मंगलवार को अमृत उत्सव विकास के चरण कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे आजादी के बाद से खेल और खिलाड़ियों की पहचान कराता यह कार्यक्रम। भारत के ओलंपिक इतिहास में व्यक्तिगत पदक जीतने वालों की सूची में कई महान खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसा ही एक नाम, बल्कि पहला नाम है केडी जाधव का, जिन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन के बल पर कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया था। केडी जाधव का पूरा नाम कसाबा दादा साहेब जाधव है। वो स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे। चलिए नजर दौड़ाते हैं भारत के इस अनमोल रतन केडी जाधव की जीवन यात्रा और उनके संघर्षों पर। केडी जाधव का जन्म 15 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के गुलेश्वर नामक गांव में हुआ। केडी जाधव स्वतंत्र भारत में ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उनसे पहले ब्रिटिश मूल के भारतीय नॉर्मन पिचार्ड एक ऐसे एथलीट थे जिन्होंने औपनिवेशिक भारत के तहत सन 1900 में एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे। स्वतंत्रता के बाद जाधव पहले भारतीय थे जिन्होंने फ्रीस्टाइल पहलवान के रूप में 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। भारत ने हेलसिंकी ओलंपिक से पहले भी पदक जीते थे, लेकिन वो सभी पदक फील्ड हॉकी में आए थे, ना कि व्यक्तिगत रूप से। जाधव का जन्म पहलवानों के परिवार में हुआ था। केडी जाधव अपने परिवार में 5 बेटों में सबसे छोटे थे। उनके पिता उस समय के एक प्रसिद्ध पहलवान दादा साहब जाधव थे। उन्होंने केडी जाधव को 5 साल की उम्र में ही फ्री स्टाइल कुश्ती से परिचित करवाया। केडी जाधव की कद काठी सामान्य थी। उनका कद केवल 5 फुट 5 इंच था, लेकिन वह थे बहुत फुर्तीले। शायद कोई पारिवारिक कौशल ही था कि केडी जाधव कुश्ती में तेजी से उभरे, लेकिन इसके लिए उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा। केडी जाधव का सफर कोल्हापुर के एक कॉलेज से शुरू हुआ, जहां उनके रेसलिंग करने के विचार पर ही उन्हें दुत्कार दिया गया था। जब जाधव 23 साल के थे तो उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कॉलेज में खेल शिक्षक से संपर्क किया, ताकि उन्हें वार्षिक स्पोर्ट्स मीट में कुश्ती के आयोजन के लिए सूचीबद्ध किया जा सके, लेकिन उन्हें तुरंत स्पोर्ट्स कोच राजा राम से ना सुनना पड़ा। सहमे हुए केडी जाधव के कॉलेज के इस एनकाउंटर का रेडियो रूपांतरण। सर, मुझे कॉलेज की कुश्ती टीम में रख लीजिए, मैं अच्छी कुश्ती खेल लेता हूँ। अरे, हमें अपनी कॉलेज का नाम खराब नहीं करना बेटा। तुम अपनी सेहत की तरफ तो देखो, थोड़ी सेहत बनाओ बेटा, नहीं तो दूसरे पहलवानों से पिट जाओगे। इस साल की टीम में फिलहाल कोई जगह नहीं है। जाधव का आत्मविश्वास इससे डगमगाया नहीं। वह कॉलेज के प्रिंसिपल के पास इवेंट के लिए सूचीबद्ध होने की मांग करने पहुंच गए। यहां उनके अनुरोध को सुना गया। बधाई हो, मैंने अपनी पावर से तुम्हें टीम में सेलेक्ट किया है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी भी कुश्ती में रुचि रखते थे और पूरा परिवार कुश्ती में रुचि रखता है, तो मुझे उम्मीद है इस मौके का तुम पूरा फायदा उठाओगे, अपना, अपने परिवार का और कॉलेज का नाम ऊंचा करोगे। जी सर। केडी जाधव के पास यही मौका था खुद को साबित करने का, और उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर ओलंपिक पोडियम तक का सफर तय किया। अपने उन प्रतिद्वंदियों को भी हरा दिया जो उनके आकार से 2 गुने कद काठी के थे। राजाराम कॉलेज में उस इवेंट को जीतने के बाद कोल्हापुर के महाराज उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने जाधव की लंदन में 1948 ओलंपिक खेलों की यात्रा के लिए फंड देने का फैसला किया। इस बीच जाधव ने फ्री स्टाइल पहलवान के रूप में भी प्रगति की, ये जानते हुए भी कि उनके पास अपने विरोधियों को गिराने के लिए आकार और निर्माण नहीं था, उन्हें ऐसा करने के लिए
अपनी तकनीक को चमकाना पड़ा। रेडियो रूपांतरण। देखो कुशा भाई, तुम्हें अपनी तकनीक में कोई नई चीज लानी पड़ेगी। तुम डाक तकनीक सीख लो, सामने वाले खिलाड़ी के सर को लॉक कर दोगे तो तुम्हारी जीत पक्की हो जाएगी। जाधव ने स्थानीय भाषा में डाक कहे जाने वाली, जहां पहलवान अपने प्रतिद्वंदी को एक हेडलॉक में रखता है और उसे जमीन पर फेंक देता है, तो हेडलॉक में केडी जाधव ने महारत हासिल कर ली। छोटे कद लेकिन फुर्तीले दांव पेच लगाने से केडी जाधव को पॉकेट डायनामो के नाम से भी पुकारा जाने लगा। हेडलॉक वाली तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने कई राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के खिताब जीते और गुल्लेश्वर महाराष्ट्र में जन्मे इस पॉकेट डायनामो नाम से विख्यात हो चुके पहलवान की ओलंपिक यात्रा शुरू हुई 1948 में लंदन में। अपने पहले ओलंपिक खेलों में छठे स्थान पर रहे, लेकिन ओलंपिक और अखाड़े की कुश्ती में काफी अंतर था। ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार कुश्ती की चटाई पर प्रदर्शन किया, लेकिन उनके खेल को विशेषज्ञों ने बेहद सराहा। केडी जाधव के लिए यह नया लेकिन बहुत कुछ सीखने वाला अनुभव था, जिसका आगे चल के उन्होंने फायदा उठाया। लेकिन लंदन में ही उन्होंने 1952 में एक निश्चित ओलंपिक पदक के लिए हेलसिंकी खेलों के लिए और भी अधिक मेहनत करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। पर ओलंपिक खेलों के लिए टीम में जगह बना जाना कोई आसान काम नहीं होता। केडी जाधव को 4 साल बाद हेलसिंकी खेलों के लिए शुरू में नहीं लिया गया। ओलंपिक खेलों में स्थान पाने की अपनी खोज में उन्हें थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ा, लेकिन जाधव संघर्षों से कहां घबराते थे। उन्होंने लखनऊ में 2 बार के राष्ट्रीय फ्लाईवेट चैंपियन निरंजन दास को हराने के बाद हेलसिंकी ओलंपिक खेलों के लिए अपना टिकट हासिल कर लिया। पर संघर्ष की कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती। ओलंपिक खेलों में पहुंचने के लिए धन की जरूरत होती थी। उस समय सरकार की मदद के बगैर ही खिलाड़ियों को खुद ही ओलंपिक खेलने जाने का इंतजाम करना पड़ता था। पैसों की कमी के कारण जाधव को लग रहा था कि वह देश के लिए तिरंगा लहराने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। इस अंधकार में उनके लिए आशा की किरण बनके उभरे उनके कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल, जिनकी बदौलत वो कुश्ती का सफर प्रारंभ कर पाए थे। अपनी आर्थिक समस्या की गुहार लेकर केडी जाधव अपने पूर्व प्रिंसिपल के पास पहुंचे। प्रिंसिपल खरीदकर ने अपना घर गिरवी रखकर 7,000 रुपए जाधव को दिए और उनकी मदद की। बाद में राज्य सरकार ने भी उन्हें 4,000 रुपए दिए थे। तब भी कम पड़ रहे पैसे की पूर्ति जाधव ने अपना घर गिरवी रखकर और कई सारे लोगों से उधार लेकर पूरी की, और इस तरह जाधव ने अपने दूसरे ओलंपिक खेलों के लिए हेलसिंकी की उड़ान भरी। एक ऐसी उड़ान जो भारत और केडी जाधव के लिए इतिहास लिखने वाली उड़ान बन गई, और स्वतंत्र भारत के लिए इंडिविजुअल स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक लाने पर ही संपन्न हुई। ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत के लिए पहला पदक लेने वाले केडी जाधव की कहानी यहां पर अभी खत्म नहीं होती है। किस तरह से वो उस पदक को हासिल कर पाए, कौन से पहलवान को हराया या कौन से पहलवान से हार गए, कहानी में अभी बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं। तो इस कहानी को आगे लेकर जाएंगे इसी कार्यक्रम के अगले भाग में। सुनना ना भूलिए अगले मंगलवार को इसी समय इसी चैनल पर भारत के ओलंपिक खेलों के पहले पदक विजेता केडी जाधव के जीवन की और संघर्षों की कहानी को। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण, प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।